परम शांति। आज हम बात करेंगे महाकाल प्रलय में। क्या महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है? तो क्या फिर वही जो शिव है, मतलब ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, तो पूरा ब्रह्मांड भी एक निराकार शिव में समा गया? वो सब कुछ समा लेगा अपने अंदर, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। जब सर्जन करता है तो निराकार महाशिव, निराकार एक संकल्प मात्र से पावर के ब्रेकअप करके अनेक शिव पैदा करता है, अनेक शिव, अनंतानंद शिव पैदा करता है। और अनंतानंद शिव ब्रह्मांड, अपने अपने ब्रह्मांड कैसे बनाते हैं वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। गैलेक्सी कैसे बनती है उस पर आप देख सकते हो, पूरी गैलेक्सी मन आकाश गंगा महाब्रह्मांड कैसे बनता है। तो महाशिव, तो क्या ये जो शिव जो पूरा ब्रह्मांड शिव में समा गया और शिव महाशिव में समा गया, तो महाशिव जब समा जाता है तो महा ये निराकार में सब कुछ समा जाता है। महाशिव जो निराकार होता है, जैसे शिव निराकार होता है ऐसे महाशिव निराकार होता है, जो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महापरम धाम में महाशिव रहते हैं निराकार, वो सब पूरा का पूरा, जिसको साइंस वाले कहते हैं गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में सुपर मासिव ब्लैक होल है, तो वो सुपर मासिव ब्लैक होल माना महापरम धाम है। तो उसके अंदर सब कुछ समा जाता है, पूरा का पूरा सब समा जाता है, पूरा गैलेक्सी उसमें वापस समा जाती है। तो उसके अंदर जो शिव जो निकले थे पहले, शिव का सृजन हुआ था, अनंत आनंद शिव बने थे, महाशिव ने अनंत आनंद महाशिव बनाए थे। तो क्या वही हूबहू वही शिव निकलेंगे? नहीं, वो शिव तो डाइल्यूट हो गए, अंदर लाइट में कन्वर्ट हो गए, महाशिव की परम लाइट में। जैसे महाशिव हमारे ब्रह्मांड का महाशिव 10 कला का है, तो उसके अंदर जो शिव सभी, कोई शिव 1 कला का है, कोई 4 कला का है, शिव 1 से 4 कला के होते हैं, तो 10 कला के परम लाइट के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा अनंत आनंद शिव महापरम धाम में जाकर परम लाइट में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे लाइट में उसका विसर्जन हो जाती है। 10 कला की लाइट में उसका विसर्जन हो जाता है, वो नहीं रहते, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर जब दोबारा सृजन करता है महाशिव निराकार, तो एक संकल्प मात्र से दोबारा जो अनंत आनंद शिव पैदा करते हैं वो अलग दूसरे फॉर्म में होते हैं, वो पुराने वाले शिव नहीं, वो तो लाइट बन गए, लाइट में लाइट समा गए, जैसे कहते हैं ज्योत से ज्योत में समा गया, लाइट में लाइट समा गए, शिव महाशिव में पूर्ण रूप से समा गए, वो पुराने वाले शिव नहीं रहेंगे, नए वाले शिव आएंगे। तो ये सब बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है, इसलिए थोड़ा 2 मिनट में समझा रहा था। जब महाब्रह्मांड महाशिव नया बनाता है तो पुराने वाले शिव तो उसमें टोटली डाइल्यूट हो जाते हैं, नए बनते हैं, नए सृजन मात्र नए सृजन होता है। परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.